तो आपके अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में आप लोग के समक्ष एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 13 लेकर आए हैं, और वीडियो में आप अंत तक बने रहे तभी आप सही ढंग से समझ पाओगे क्वेश्चन को और कर भी पाओगे। एक बार जरूर देखिए, समझ में आएगा कि ए बी सी डी इज ए ट्रैपीजियम। ए बी सी डी एक ट्रैपीजियम है जो कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। ए बी पैरेलल है डी सी के, ये लाइन ए बी जो है ना वो पैरेलल है डी सी के, समझिए बात को। ए लाइन पैरेलल टू ए सी, ए लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट ए बी, एक लाइन पैरेलल है जो ए सी के जो इंटरसेक्ट करता है किसको, ए बी को, ठीक। एट एक्स एंड बी सी, ध्यान से मुझे बहुत मजे आने वाला है। ए लाइन पैरेलल टू ए सी, एक ए सी के पैरेलल लाइन हमें खींचना है, और जो ए बी को एक्स पे और जबकि बी सी को वाई पे इंटरसेक्ट करता है। बात समझिएगा, ए बी सी एक ट्रेपीजियम है, ए को सी से ज्वाइन कराया गया है और ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो ए बी को एक्स पे और बी सी को वाई पे इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स, देखिए ए डी एक्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई, ए सी सॉरी ए सी वाई, देखिए जिसको लाना है वो को हम घास देते हैं पहले ना, सेंड कर देते हैं, ये एरिया हमें लाना है, दोनों आपस में इक्वल है। हम लोगों को ना ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना, जो बात प्रूव करना हमने लिखा। अब ट्रायंगल को देखिए, ए डी एक्स ट्रायंगल जो है अपना ये, और ए एक्स सी ट्रायंगल, दोनों का सेम बेस है ए एक्स, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन। सेम पैरेलल लाइन का सेंस मतलब समझिएगा, पैरेलल सेम ही पैरेलल लाइन के बीच में है, न कि साइज में सेम है। ए बी और सी डी के अंदर का ही बात है एक्स, और एक्स बेस है और इसी बेस को यूज करके ये भी ट्रायंगल बना, इसी बेस का यूज करके अपना ये भी ए सी और एक्स ट्रायंगल भी बना। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल होता है वो एरिया आपस में इक्वल होता है, पहला बात समझ में आ गया। दूसरा बात जो हमें लाना है, दूसरा बात ए सी वाई ढूंढते हैं, इस फिगर में जो प्रूव करना वही तो बता देता सब चीज। ए सी वाई ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को आप देखिएगा ना, बहुत मजा आने वाला है, टेंशन नहीं लीजिए। ये ट्रायंगल को और दूसरी बात आप देखिएगा, ए सी एक्स ट्रायंगल को, ए सी एक्स ये दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत ईजी है। देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं ए सी यहाँ भी, ए सी यहाँ भी, मतलब ए सी एक कॉमन साइड हो गया, ये लाइन के पैरेलल है और ए सी से ही ए सी एक्स ट्रायंगल बना, समझिए बात को, ए सी से ही ए सी एक्स ट्रायंगल बना और ए सी से ही ए सी वाई ट्रायंगल बना। तो सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो बोलेंगे ए सी एक्स ट्रायंगल का जो एरिया होगा ए सी वाई ट्रायंगल के एरिया के बिल्कुल इक्वल होगा, दूसरा इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए सी एक्स और ए सी एक्स या ए एक्स सी दोनों सेम है, यानी ये ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बिल्कुल इक्वल होगा, जो कि बात हमें प्रूव करना था वो बात हो जाता है यहाँ पे, प्रूफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।